हाय गाइस, इधर दिव्यांश, सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम लोग जो है कंपैरिजन कर रहे हैं दो पार्टी स्पीकर्स के बीच में। एक है बोट पार्टी पेल 70 और एक जो है एंट ऑडियो तरफ से आता है रॉक 600। तो दोनों स्पीकर पार्टी के हिसाब से बनाए गए हैं, तो देखते हैं किस तरह का साउंड, किस तरह की क्वालिटी हमको दोनों में देखने को मिलती है। पर वो हम लोग देखते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग के बीच का जो प्यार है बना रहे और आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए तो टेस्टिंग हम लोग शुरू करते हैं। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. चलिए गाइस, तो फाइनल वर्डिक की बात कर लेते हैं दोनों स्पीकर्स के बीच में। तो मैं तीन पॉइंट्स आपको चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। पहली बात हम लोग कर लेते हैं इसके बिल्ट और डिज़ाइन के बारे में। तो बिल्ट को आप लोग देखेंगे गाइस, ये प्योर दोनों ही जो है प्लास्टिक से बने हुए हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। मुझे बोट का जो प्लास्टिक है थोड़ा बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू इसके प्लास्टिक के मुकाबले। और अगर आप फंक्शंस की बात करें दोनों में, तो फंक्शन भी आपको सेम देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, बोट आपका कॉम्पैक्ट है और ये थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। साइज़ में आप डिफरेंट देख ही सकते हैं। यहाँ पर जो है बेस का जो वेंट है यहाँ फ्रंट में दे रखा है, इधर जो है बेस का जो वेंट है इन लोगों ने पीछे की तरफ दे रखा हुआ है। और फंक्शंस वगैरह अगर आप बटन्स के फंक्शन देखोगे तो वो टॉप पे आपको देखने को मिलते हैं, तो वो क्वाइट सिमिलर ही हैं। अब हम लोग बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में अगर मैं देखूँ दोनों स्पीकर्स को, तो इसका जो लाउडनेस है वो ज़्यादा है और इसका लाउडनेस थोड़ा कम लगा। बट बेस में जो विनर है वो है ये बोट पार्टी पर 70 का बेस बहुत अच्छा है। इसका बेस इतना अच्छा नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि इसमें जो 6.5 इंच का बूफर लगा हुआ है तो उसके हिसाब से मुझे लगा था कि इसका बेस ज़्यादा अच्छा आएगा, बट नहीं, इसका बेस बहुत अच्छा था इसके मुकाबले। तो साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट लाउडनेस के मामले में ज़्यादा, क्योंकि 60 वॉट आउटपुट के साथ आता है और ये जो आता है 30 वॉट्स आउटपुट के साथ आता है, तो लाउडनेस में डेफिनेटली ये जीतता है। फंक्शंस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं और प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो प्राइसिंग जो है इसकी मुझे पड़ी थी 3,500 रुपीज़ और इसकी प्राइसिंग पड़ी थी 5,000 रुपीज़। और फंक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों में ही आपको SD कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है, TF कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है, USB का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा माइक, वायरलेस माइक इसमें देखने को मिल जाता है आपको, और इसमें जो है आपको वायर्ड माइक देखने को मिल जाता है, पर माइक का सपोर्ट दोनों में ही है। इसके साथ में एक फंक्शन एक्स्ट्रा ये है कि आपको इसमें रिमोट मिलता है साथ में। इसमें कोई रिमोट साथ में नहीं मिलेगा आपको, इसको यहाँ से आपको डायरेक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी सभी चीज़ें इसमें सिमिलर ही हैं। अगर आप फंक्शंस की बात करें तो इसमें आपको इक्वलाइजेशन मोड देखने को मिल जाता है, जहाँ आप ट्रेबल और बेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम यहाँ भी आप ट्रेबल्स और बेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा माइक के जो फंक्शन होते हैं जैसे कि इको और वॉल्यूम, तो वो आप इसमें भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों ही सिमिलर हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाता है आपको, इसमें भी आपको छोटा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस, बीइंग एन इंडियन कंज्यूमर हम लोग देखते हैं प्राइस। तो प्राइस के मामले में ये 5,000 रुपीज़ का पड़ता है और ये 3,500 रुपये का पड़ता है। और 3,500 रुपये और 5,000 रुपये की प्राइसिंग में अगर दोनों स्पीकर्स को देखें तो फर्क कुछ नहीं है, क्वाइट सिमिलर प्रोडक्ट है। 60 वॉट का आउटपुट है और यहाँ पे आपको 30 वॉट का आउटपुट देखता है, बट मुझे ऐसा कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं लाउडनेस के बारे में। थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है बस, बाकी ओवरऑल वे में बोट पार्टी पर 70 एक बेस्ट डील है। 3,500 रुपये में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा बोट पार्टी पर 70 एज़ कम्पेयर टू रॉक 600। चलिए तो हम लोग मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। उससे पहले गाइस, आप लाइक शेयर कमेंट कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और आने वाले वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, स्टेडियम रहिएगा इंदौर एक्सप्लोरर के साथ।